शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सलोनी, ये गे के फूल कौन लाया? मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। कंग्रेचुलेशंस, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? मैं बाप? सलोनी, सलोनी कब पता चला ये न्यूज? अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया या सिर्फ होने वाले बच्चे की माँ को बताया है? सलोनी, ये तुम क्या कह जा रही हो? तुम्हें तो आते वक्त एक मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहिए था। तुम बाप जो बनने वाले हो। किसका बाप बनने वाला हूँ मैं? हाँ, क्या बोले जा रही हो तुम? टीना के बच्चे का। क्या अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम? क्या मैटर्निटी होम में डॉक्टर के सामने भी ऐसी ही एक्टिंग की थी? इसी तरह हैरान हो गए थे? क्या बकवास कर रही हो तुम सलोनी? मैटर्निटी होम में अपने कलीग को बधाई देने गया था, उसके वाइफ ने डिलीवरी। बस करो नितिन, और कितना झूठ बोलोगे तुम? और किन किन लोगों को अपने इस झूठ में शामिल करोगे? सलोनी, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो। ओह, मेरी हद बताने का तुम्हें पूरा हक है, और तुम जो अपनी हद पार करे उसका क्या? ये बच्चा तुम्हारे और टीना के रिलेशन का नतीजा है। तुम्हारा उस टीना के साथ नाजायज रिश्ता है। सलोनी! तुमने मुझ पर हाथ उठाया? एक तो रिश्ते में बेईमानी करते हो और मुझ पर हाथ उठाते हो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तालाक चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। I want a divorce. अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। लगता है माँ पापा को घुमाने लेके गई है। अच्छा था, बस काम के बीच में बार बार कोई फोन करके तंग कर रहा था। ओह, शायद वही जिसकी आपको बहुत याद आ रही थी। एनीवेज, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आता हूँ, आप बहुत गर्मी से आई है ना। एक मिनट बैठिए तो सही, बस दो मिनट आप यूं ही हमारे सामने मुस्कुराते बैठ जाए करें, हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आता हूँ। राज, हम तो बस आपकी यादों के सहारे जिंदा हैं।
आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज हम घर में बिल्कुल अकेले हैं। आपके साथ दिल खोलकर आपसे बात करेंगे, आपकी भी बातें सुनेंगे। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में, प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं, साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटे, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम, घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम। रानी बेटा। माँ, आप लोग कब आए? हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। नहीं बेटा, एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। देख रानी बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं तेरे दिल की हर बात को समझती हूँ। तुझे इसी बात की तकलीफ होती है ना कि राज को अभी तक कुछ याद नहीं आया। लेकिन मेरी एक बात मान बेटा, मेरे बच्चे की याददाश्त जरूर खो गई है लेकिन वो रिश्ते निभाना नहीं भूला है बेटा। लेकिन बेटा तू देख लेना, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, एक दिन राज को तुझसे किए गए हर वादे, तुझसे की गई हर कसम याद आ जाएगी। तुझे तेरा पहले वाला राज जरूर मिल जाएगा वापस रानी। बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए, भगवान पर भरोसा रख बेटा, तुझे तेरा पहले वाला राज जरूर मिलेगा रानी। नहीं रोते बेटा, मत रो, मत रो बेटा। तू देखना रानी, तेरा प्यार उसकी यादों को फिर से जिंदा कर देगा। मेरे बच्चे, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते, भगवान पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। नितिन, तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया तुमने मेरा विश्वास? नितिन, नितिन प्लीज, तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। टीना, तुम दिल छोटा ना करने की बात कर रही हो, यहाँ तो दिल टूट गया है, अब क्या ठीक होगा? पता है, सलोनी को मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। सब कुछ टूट गया टीना, सब कुछ। नितिन, बात इतनी बढ़ जाएगी, मैंने कभी भी नहीं की थी। हाँ टीना,
दिमाग में अगर शक हो ना तो ऐसे गंदे ख्याल तो आएंगे ही ना। मैंने सिर्फ खुशियों भरी जिंदगी की तमन्ना की थी टीना। खुशियों की तमन्ना ही तो की थी तुमसे, पर तुमने तो अपनी खुशियां उस टीना के साथ। परेशान हो गया मैं उसके इल्जामों से। कभी कभी तो लगता है कि मैंने ये शादी करके गलती तो नहीं कर दी। नितिन प्लीज ऐसी बातें मत करो, शांत हो जाओ नितिन। टीना पता है शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सफाइयां दे देकर मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ, अपनी ही नजरों में छोटा महसूस करता हूँ अपने आप को। आजकल ऑफिस का वक्त जब खत्म होता है ना, मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। डर लगा रहता है मन में कि घर जाके वही चिक चिक सुननी पड़ेगी मुझे। एक बजने लगा है, नितिन अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? मैं उसे फोन करके, नहीं मैं ही हमेशा उसे फोन क्यों करूं जब उसे ही परवाह नहीं है कि हमारा रिश्ता टूटे या बचे, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? मैं ही क्यों हमेशा घुट घुट कर जीऊं? मुझे नहीं जीना मुझे। I don't want to live anymore. नितिन क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को, यू आर मैन। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने जीवन साथी के। पता है टीना, मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान हूं और मेरे सपने भी सारे एकदम सीधे साधे हैं। मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, लेकिन अब सब कुछ भी कर गया, सब कुछ। I hate her, Nina. Nina, I hate her. नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। प्लीज नितिन, तुम सिर्फ अपने आप को दोष मत दो। जो भी हुआ उसमें तुम अकेले नहीं थे। आई एम ऑल्सो गिल्टी। पता नहीं हम दोनों जज्बातों में कैसे। मैं क्या मुंह लेके सलोनी के सामने, कल तक वो मुझ में शक करती थी और आज मैं वाकई में उसका गुनहगार हो गया। टीना मैं तो सलोनी से आंख मिलाकर माफी भी नहीं मांग सकता। और टीना तुमसे भी माफी। प्लीज नितिन कुछ मत कहो, जो भी हुआ मैं उसे गलती समझकर भूल जाऊंगी। मैं अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट आज ही दे दूंगी। हम दोनों के बीच अचानक जो नजदीकियां बढ़ गई
उसके लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। नितिन तुम जाओ, तुम घर जाओ, सलोनी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। संडे है, ऑफिस भी बंद होगा, कहाँ होगा नितिन? रात भर कहीं उस टीना के साथ ही तो नहीं? हाँ नितिन, कहाँ हो तुम? अरे भाभी जी, मैं नितिन नहीं, गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्ते गुप्ता जी। भाभी जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत मुझसे? जी हाँ। आप कल नितिन के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? आप आती तो रेनू और हमारी छोटी सी बच्ची से भी मिल लेती। हाँ हाँ, आप रेनू भाभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया है मुझे? मैं नितिन पर इतना शक क्यों करने लग गई? इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती, नितिन को कितना बुरा लगा होगा। शायद इसलिए वो पूरी रात घर नहीं आया। अब जब नितिन घर आएगा तो मैं उससे माफी मांगूंगी, उसे कहूंगी कि मैं उस पर आए तक कभी शक नहीं करूंगी, कभी नहीं। कहाँ हो तुम नितिन, कहाँ हो? सलोनी, मैं तुम्हारा सामना कैसे कर पाऊंगा? मेरी गलती तो माफी के काबिल भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा मुझसे दूर रहकर मत दो। रेनू और हमारी छोटी सी बच्ची से मिलने की चीज़ें।